द मोमेंट पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है तब से लेके बाहर वेटिंग एरिया, ओपीडी, टेस्टिंग, हर जगह हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ये प्रिकॉशंस सभी डॉक्टर्स ले रहे हैं। सभी गहन चिकित्सा इकाइयों के अंदर, सभी वार्ड्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोग सभी स्टाफ को इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, हाउसकीपिंग को फुल पीपी एवं N95 मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पेशेंट की देखभाल करने के लिए पूरी तरीका से तैयार हैं। खुद को सेफ रखते हुए पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम पीपी का यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारे स्टाफ को भी यही तरीका अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कार्डियक सर्जरी के लिए हम स्पेशल प्रिकॉशन रखते हैं, जहाँ पे डबल ग्लव, डबल गाउन, डबल मास्क, ना कि सिर्फ सर्जन के लिए बल्कि पूरे स्टाफ के लिए करते हैं, जिसमें पेशेंट का भी प्रोटेक्शन रहता है और हम लोगों का भी प्रोटेक्शन रहता है। ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में इस कोरोना पैंडेमिक के समय पूरी सेफ्टी मेजर के साथ एवं रिकमेंडेड गाइडलाइंस के साथ आपके इलाज के लिए तैयार हूँ। फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम लोग बिल्कुल एकदम रेडी हैं, रूटीन ऑपरेशन करने के लिए भी ब्रेन ट्यूमर के, स्पाइन के सब हम कर रहे हैं और पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं, ताकि आपका इन्फेक्शन आपको दूसरे मरीज से भी इन्फेक्शन नहीं मिले। ऑपरेशन के बाद भी जब पेशेंट आईसीयू में रहता है या वार्ड में रहता है, वहाँ भी उसकी देखभाल पूरी तरह से फुल पीपी और N95 मास्क पहन के की जा रही है, जिससे कि पेशेंट और स्टाफ दोनों जो है इस इन्फेक्शन से सेफ रहते हैं। और इसलिए जो है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी भी तरह के ऑपरेशन और गहन चिकित्सा इकाई की सेवाओं के लिए पूरी तरह से सेफ अस्पताल है। पूरा पीपी किट दे रखा है, 95 मास्क दे रखा है और सफाई के लिए हर तरह का केमिकल दे रखा है। जैसे फ्लोर के लिए अलग तरीका का केमिकल है, डस्टिंग के लिए अलग तरीका का केमिकल है, जैसे मेडिसिन ट्रॉली हुई, कार्डी टेबल हुई, सोप होया, ताकि हमारा हॉस्पिटल हमेशा के लिए सुरक्षित रहे।